क्या होगा अगर एक स्नेक और कैटरपिलर का हाइब्रिड बनाया जाए। एक कॉलेज स्टूडेंट ने दुनिया का पहला स्नेक और कैटरपिलर का हाइब्रिड बनाया है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये दिखता कैसा होगा। सबसे पहले उन्होंने अपने पालतू सांप से डीएनए को निकाला, फिर उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में पाया गया एक कैटरपिलर के डीएनए को एक साथ मिलाया और फिर उस सैंपल को अपने होममेड लैबोरेटरी में ले गए और कुछ दिनों बाद फर्टिलाइजर अंडे को तैयार किया। वो उस अंडे को पूरे 5 महीने तक सेता रहा, जब तक कि उसमें से वो हाइब्रिड बाहर नहीं आ गया। आप उस हाइब्रिड को देखने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा वो स्नेक और कैटरपिलर का हाइब्रिड। ये इतने क्यूट दिखते हैं कि उस कॉलेज स्टूडेंट ने ऐसा और ढेर सारा हाइब्रिड बना दिया जो उसके बैकयार्ड में रहते हैं।